हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं लक्ष्मी और आपके साथ इस वीडियो में एलोवेरा से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है, एलोवेरा प्लांट तो लगाते हैं उसमें पर्प्स भी छोटे छोटे निकल आती है बट वो ग्रो नहीं हो पाती है। सो इसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं कुछ एलोवेरा यहाँ अपने ग्राउंड पर लगा के रखी हूँ, वो एक लाइन से सब दिख रही है एलोवेरा। तो ये सभी का प्रोपेगेशन मैं की हूँ, वो भी इसके छोटे छोटे पर्प्स से। तो स्टार्टिंग में मैं जब एलोवेरा प्लांट लगाई थी तो मेरे पास एक ही मदर प्लांट था, वो तो उसी का पप्स से इतने सारे एलोवेरा मैं बनाई हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे जो एलोवेरा देख रहे हैं ये प्लांट, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बेबी पप्स निकल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक ये वाली। सो सभी में इस टाइप से निकली हुई है, और यहाँ पर भी दो पप्स निकली हुई है। देन और भी जगह में मैं दिखाती हूँ, वो दोनों में मैं दिखा दी थी। और ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे छोटे वाले पप्स एक यहाँ है, यहाँ तीन यहाँ निकल चुका है, और इसमें भी बहुत सारे एलोवेरा पप्स निकले हुए हैं। देन इसमें अभी नहीं निकले हुए, तो सभी में एक या दो से तीन इस टाइप से पप्स निकले हुए हैं। तो इसका ग्रो भी बहुत अच्छा तरीक़ा से हो जाती है। तो मैं इसे अलग प्रोपेगेट कर देती हूँ, तो इतने सारे एलोवेरा मैं स्प्रेड आउट करके ग्राउंड में लगाई हूँ। सो रीज़न यही है कि मैं इसे ग्राउंड में लगा के रखी हूँ, और इसमें काउडंग भी दी हूँ। देन सैंडी सॉयल है यहाँ का, सो मिट्टी की गुड़ाई मैं करते रहती हूँ जिससे मिट्टी लूज बनी रहती है और इसकी जड़ें से पप्स का ग्रो बहुत अच्छी तरीक़ा से हो पाती है। तो यहाँ पे जो पप्स देख रहे हैं इस एलोवेरा प्लांट में, तो यहाँ पर भी पप्स निकली हुई है इस साइड में, और ये वाली मदर प्लांट है इसकी। तो कुछ दिन में ये भी मैं इसको अलग कर दूंगी और अलग लगा दूंगी, तो ये भी प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होने लगेगी। और यहाँ पे ग्राउंड में मेरे जितने भी एलोवेरा प्लांट देख रहे हैं, तो इनमें जो भी पप्स निकलती है तो वो डेड नहीं होती है, उसका प्रोपागेशन मैं अच्छी तरीके से करती हूँ। सो वो बहुत अच्छी तरीक़े से चलती है। तो मैं एक ही मदर प्लांट से ये देखिए एलोवेरा का प्रोपेगेशन करके मैं इतने सारे एलोवेरा क्रिएट की हूँ। तो एक सैलो पॉट में मैं अपने छत पे भी लगा के रखी हूँ एलोवेरा प्लांट, जिसमें उसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा ही पप्स निकले हुए हैं। तो उसको भी मैं अलग करके प्रोपेगेट करके अच्छी तरीके से लगाऊँगी। सो और भी मेरे पास एलोवेरा प्लांट हो जाएंगे, इससे भी डबल हो जाएंगे। सो ये देखिए, इस टाइप से मैं इतने सारे एलोवेरा का को पप्स के ज़रिए लगाई हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से इनमें ग्रो हो रही है। तो बस सिंपल सा आप लोगों को यही करना है, जब भी एलोवेरा प्लांट में बेबी पप्स छोटे छोटे पप्स निकल आते हैं, तो वो पूरा छोटा में उसको अलग मत कीजिए, थोड़ा बड़ा होने दीजिए इस टाइप से, इससे भी थोड़ा बड़ा होने दीजिए। इसके उसके बाद में मदर प्लांट से आप इसे अलग करके अलग ग्रो कीजिए। देन मिट्टी भी सॉफ्ट रखिए, एंड मेरा तो ये सैंडी सॉयल है, एंड इसमें मैं काउडंग मिक्स की हूँ। देन छोटे छोटे बजरी जो दिख रही है वो भी इसमें है, तो इसमें वाटरिंग भी मैं सही तरीक़ा से करती हूँ। ये पूरा फुल सनलाइट में रहती है मेरा एलोवेरा, सो पूरा डैमेज नहीं होती है, क्योंकि मैं इसमें सुबह में और शाम का टाइम में दोनों टाइम वाटरिंग करती हूँ, तो ये ग्रीन बना हुआ है। सो इसी टाइप से मैं एलोवेरा का प्रोपेगेशन की हूँ। देन जो भी छोटे छोटे पप्स निकल आती है उसको अच्छी तरीके से मदर प्लांट से अलग करके कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, या फिर ग्राउंड में। मेरे पास यहाँ पर एरिया खाली था तो मैं ग्राउंड में लगा दी हूँ। सो इतने सारे एलोवेरा हो चुके हैं मेरे पास, ये देखिए, और ये काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं कुछ प्लांट, और छोटे छोटे, तो उनका भी ग्रो अच्छी तरीक़ा से हो ही रहा है। सो आपके पास भी अगर एक ही एलोवेरा प्लांट है, तो उसके पप्स के ज़रिए आप भी बहुत सारे एलोवेरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वन टू मैनी एलोवेरा क्रिएट कर सकते हैं। सो इजी टिप्स थी। सो यहाँ पे जितने भी एलोवेरा प्लांट देख रहे हैं, सभी में एक या दो से तीन पप्स निकले ही हुई है। देन वो सभी थोड़ा ग्रो होने के बाद में उसे मैं अलग करके और उसका प्रोपेगेशन कर दूंगी, तो और भी मेरे पास एलोवेरा प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो इस टाइप से आप भी अपने गार्डन एरिया में कर सकते हैं, या फिर पॉट में लगा सकते हैं इसी टाइप से। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, हाउ टू मेक वन टू मैनी एलोवेरा प्लांट। सो एलोवेरा से रिलेटेड यही थी मेरी आज की वीडियो, और ये मेरा स्मॉल सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।